बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ प्रीपोजिशन जो इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन का आज हम लोग देख लेते हैं और एक वीडियो में आपका कवर हो जाएगा पूरा प्रीपोजिशन। तो देखिए सबसे पहला है प्रीपोजिशन में क्या यूज ऑफ इन, इनका हम यूज कहां करेंगे। देखिए इनका यूज किया जाता है अनिश्चित जगह के लिए, तो अनिश्चित जगह बताने के लिए कि जैसे मैं बिहार राज्य में रहता हूं तो मैं कह सकता हूं आई लिव इन बिहार। तो बिहार में हम लोग रहते हैं लेकिन बिहार में भी बिहार के कई टुकड़े बटे हुए, बिहार कई गांव में कई नगर में कई महानगर में बटा हुआ है, तो बिहार के किस जगह रहते हैं इस सेंटेंस से ये पता नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार एक अनिश्चित जगह हो गया, तो इसीलिए आई लिव इन बिहार हो गया। वहीं पर मेरा गाँव का जो है, मान लीजिए मेरा गाँव है ABC, तो मेरा गाँव अगर ABC है तो हो जाएगा आई लिव एट ABC। अगर निश्चित जगह बतलाना है तब एट यूज करना है, तो इसीलिए दूसरा नंबर है यूज ऑफ है एट। तो एट निश्चित जगह के लिए यूज होता है कि आई लिव एट, अगर भागलपुर बोले तो यानी कि हम भागलपुर में ही रहते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो एट का यूज किया जाता है निश्चित जगह के लिए, इन का यूज किया जाता है अनिश्चित जगह के लिए। उसके बाद देखिए क्या होता है यूज ऑफ अबाउट, तो अबाउट का यूज किया जाता है किसी के बारे में बात करने के लिए, कि जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट राम, यानी मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसी तरह हो जाएगा ही इज टॉकिंग अबाउट सीता, यानी वह सीता के बारे में बात कर रहा है, समझे। तो इस तरह से जो किसी के बारे में अगर बात करते हैं तब वहां पर जो हम अबाउट का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए क्या आता है यूज ऑफ, तो ऑफ मतलब होता है का के की, तो का के सेंस में हम जो है किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है ऑफ, यूज ऑफ ऑफ यानी ऑफ का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग यानी यहाँ पर भी का यूज हो रहा है, यानी ऑफ का मतलब का के की में किया जाता है। तो दिस इज एन एप्पल ऑफ पटना, यानी पटना का सेब है, तो इस तरह से ऑफ का यूज किया जाता है का के की के लिए। उसके बाद देखिए यूज ऑफ सो, तो सो का मतलब होता है इसलिए, तो दो सेंटेंस के बीच इसलिए जोड़ने के लिए हम यूज ऑफ सो का यूज करते हैं। तो सो का पता करने के लिए यहाँ सो लगेगा नहीं, तो दोनों सेंटेंस के बीच देखिए कि दोनों के बीच कैसा संबंध है, अगर विपरीत संबंध आ रहा है तो आप सो यूज कर सकते हैं, कि जैसे राम इज बैड सो बीटन बाय राम, यानी सॉरी रावण इज बैड, रावण इज बैड सो बीटन बाय राम, यानी रावण बुरा था इसीलिए वो मारा गया, इसीलिए वो राम के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर देखिए रावण बुरा था और मारा गया, तो ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, कि जो गलत करेगा उसकी पिटाई तो होनी है, तो इस तरह से जो हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप सो का यूज करेंगे किसके लिए, इसलिए के। अब यूज ऑफ टू, टू का यूज किया जाता है किसी जगह को बतलाने के लिए, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं बाजार जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट। तो किसी जगह या दिशा को अगर आप बतला रहे हैं तो वहां पर टू का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए यूज ऑफ TOO, एक टू था TO2, अब है TOO। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन क्या है कि ही भी बहुत ज्यादा, तीन सेंस के लिए यूज ऑफ टू का यूज होता है, यानी टू का यूज होता है TOO का। वहां पर देखिए दिस इज टू मच, यानी ये बहुत ज्यादा हो गया, मान लीजिए कोई आपसे ज्यादा जो बात कर रहा है, बहुत ज्यादा मतलब चिल्ला रहा है, आपको पसंद नहीं है उसका बात करना, कोई ज्यादा जोर से आपसे बात कर रहा है, तो वहां बोलिएगा दिस इज टू मच, यानी ये बहुत ज्यादा हो गया, ओवर हो गया। तो उस तरह उसके बाद जैसे हम किसी को प्रपोज करते हैं तो आई लव यू टू बोलते हैं, तो वहां पर देखिए जो आई लव यू टू बोलते हैं और आई टू जो लव यू होगा, तो यहाँ पर दोनों में अंतर है। देखिए आई लव यू टू का मतलब क्या हो जाएगा, आई लव यू टू का मतलब हो जाता है कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, आई टू लव यू का मतलब होता है मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो इस तरह से दोनों का जो मतलब अलग अलग है, तो अंत में लगेगा तो भी, बीच में लगेगा तो ही।